हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड और कितने टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कोई इवेंट ए है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी गिवन है, वो क्या है, 2/11। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ, मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है, मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, ए के ऊपर ऐसे बाहर है ए नॉट या नॉट ए। तो कैसे करेंगे इसको, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। आइए, जैसे मान लीजिए जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो सिंपल स्पेस क्या बनता है। हाँ जी, अगर मैं आपसे पूछूं ए इवेंट है कोई, इवन नंबर, इवन नंबर क्या होंगे, ये होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, इसमें 3 और इसमें 6 एलिमेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2। ये तो आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ। अगर मैं आपसे पूछूं इवन नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, इवन नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी। अब आप सोचें इवन नंबर नहीं आएंगे तो इवन नंबर के अलावा और क्या आएंगे, ओड नंबर आएंगे, ओड नंबर ही आएंगे। तो उसको मान लो मैं बी इवेंट मान लेता हूँ, तो ओड नंबर आएंगे, ओड नंबर क्या है, 1, 3, 5। मैंने बोला है इवन नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी, इवन नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि ओड नंबर आएंगे, इसका मतलब साफ है। हाँ जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा, 3/6, ये भी आ जाएगा 1/2। ये किसकी प्रोबेबिलिटी थी, इवन नंबर आने की, और ये मैंने प्रोबेबिलिटी किसकी निकाली, या तो आप इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर बोल सकते हो, या इवन नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी। तो मैं इसको ए नोट ही बोल सकता हूँ, इसका मतलब साफ है, ये इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, ये इवन नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी। अब आप इन दोनों का सम करके देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ पर कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट सम करके देखें तो क्या आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/2, और ना आने की, इवन नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या थी 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से एक रिजल्ट बना, वो रिजल्ट क्या है, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, मान लीजिए इवेंट ए है, इसके होने की प्रोबेबिलिटी प्लस इसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम, दोनों का सम क्या होता है 1 के बराबर आना चाहिए, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 होती है। यहाँ पे भी तो मैंने किया, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी प्लस इवन नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी का सम इज इक्वल टू 1 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, इस रिलेशन को हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो हाँ जी, अब मुझे क्या दे रखा है, कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या दे रखी है, 2/11, और मुझे ए नॉट निकालनी है। सिंपल फार्मूला पुट करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट क्या गया, 1 - 2/11 और 11 - 2/11, तो आ गया 9/11। ठीक है दोस्तों, ये क्या आया, ये आया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट, यानी कि इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 2/11 थी, और इस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या, 9/11। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया, 3 coins are tossed simultaneously, 3 coin को टॉस किया गया, तो मैंने यहाँ पे सैम्पल स्पेस लिख रखा है। ठीक है दोस्तों, ये 3 coin को टॉस किया गया, सैम्पल स्पेस ये आता है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 8 हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, मुझे ये 5 क्वेश्चन है, इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 3 head, तीनों के आने चाहिए, तीनों कॉइन के ऊपर हेड आने चाहिए, इसको इवेंट ए मान लेते हैं, तीनों हेड, हाँ जी हेड हेड हेड, सिर्फ एक ही है, यही है। ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, 1 है, 1 ही एलिमेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट कर देते हैं। फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए वो क्या 1, और बटे में नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस वो कितने, 8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1/8। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, नो हेड, यानी कि तीनों कॉइन में से एक पे भी हेड नहीं आना चाहिए, एक पे भी हेड नहीं आना चाहिए, इसका मतलब क्या है, यानी कि तीनों पे क्या आनी चाहिए, टेल आनी चाहिए। तो यही है, इसको भी इवेंट ए मान लेते हैं, टेल टेल टेल। ठीक है दोस्तों, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इसमें 1 है और 1/8, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या, जैसे 2 head आने चाहिए, यानी कि जैसे 3 coin उछाले, 2 coin के ऊपर हेड आने चाहिए। अब इवेंट ए देखते हैं उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, बस वो लिखो तो जहाँ 2 head हैं, यहाँ पे 2 head हैं, एक तो ये आ जाएगा, क्योंकि 2 head आने चाहिए ना, ये भी आ जाएगा, 2 head। ठीक है दोस्त, ये आ जाएगा, हाँ जी ये भी आ जाएगा, यहाँ पे 2 head हैं, हाँ जी ये नहीं, यहाँ पे 1 head है, यहाँ पे 1 head है, यहाँ पे 1 head है, यहाँ पे 2 tail हैं, 1 head है, और ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यही आ जाएंगे, बस आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल दो, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, और टोटल कितने, 8। तो 3/8 इसका क्या देगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे और देखते हैं, जैसे ये आ जाए, एटलीस्ट 2 head
और नेक्स्ट है एटमोस्ट टू हेड। यहाँ पे दो वर्ड है, एटलीस्ट और एटमोस्ट। ठीक है दोस्तों, पहले एटलीस्ट को देखते हैं, एटलीस्ट क्या होता है। एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम या उससे ज़्यादा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए एक रूम है, ठीक है दोस्तों, अगर हम बोले इस रूम में एटलीस्ट फोर चेयर आ सकती हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इस रूम में चार कुर्सियाँ तो आ सकती हैं, चार से ज़्यादा भी आ सकती हैं, पाँच भी आ सकती हैं, छः भी आ सकती हैं, सात भी आ सकती हैं, इसका मतलब होता है एटलीस्ट। ठीक है, आइए क्वेश्चन करते हैं, फिर ज़्यादा समझेगा। एटलीस्ट टू हेड, एटलीस्ट टू हेड, इसको भी इवेंट ए मान लेते हैं। हाँ जी, एटलीस्ट टू हेड, इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था एटलीस्ट फोर चेयर का मतलब क्या था, चार या चार से ज़्यादा चेयर आ जाएं। सेम यहाँ पे एटलीस्ट टू हेड का मतलब क्या है, दो हेड या दो से ज़्यादा हेड आ जाएं। पहले तो दो हेड देखो कहाँ कहाँ पे हैं, दो हेड यहाँ पे हैं, दो हेड यहाँ पे भी हैं, ठीक है दोस्तों, दो हेड यहाँ पे भी हैं, और हैं कहीं पे दो हेड, नहीं है, बट यहाँ पे वर्ड है एटलीस्ट, उसका मतलब मैंने बताया था दो या दो से ज़्यादा हेड, दो हेड तो ले लिए, और दो से ज़्यादा हेड भी आ सकते हैं, दो से ज़्यादा हेड का मतलब क्या, तीनों पे भी हेड आ सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ जैसे तीन चार चेयर थी, चार या चार से ज़्यादा, पाँच छः कैसे आ सकते हैं, ऐसे ही दो हेड या दो से ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो ये मेरा इवेंट ए बन गया, और अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो सिंपल, कितने एलिमेंट हैं, एक दो तीन चार, चार बटे में टोटल कितने हैं, आठ, चार बटे आठ, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, वन बाय टू। ठीक है दोस्तों, आइए उसके बाद देखते हैं एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा या उससे कम। फॉर एग्जांपल जैसे एक रूम है, ठीक है दोस्तों, उसमें अगर मैं बोलता हूँ एटमोस्ट फोर चेयर हैं, इसका मतलब क्या है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चार कुर्सियाँ हैं, चार से कम भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, दो भी हो सकती हैं, एक भी हो सकती है, और नहीं भी हो सकती। एटमोस्ट का मतलब ये होता है, एक क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं इसको। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है, एटमोस्ट टू हेड, पहले तो दो हेड है वो लिख लो कौन कौन से हैं, इवेंट ए है, सेम दो हेड एक ही आ जाएगा। हाँ जी, यहाँ भी दो हेड है, यहाँ भी दो हेड है, ठीक है, और तो नहीं है कोई दो हेड। अब वर्ड है एटमोस्ट, एटमोस्ट का मैंने आपको बताया था मतलब ज़्यादा से ज़्यादा या उससे कम, ज़्यादा से ज़्यादा तो दो हेड तो आएगी, उससे कम एक हेड हो सकता है और नहीं भी हो सकता, उसके बाद दो से ज़्यादा, दो से कम तो एक हेड हो सकता है, एक हेड देखो कहाँ पे है, एक हेड कहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी कि ये भी इस इवेंट में शामिल है, और एक हेड यहाँ पे है, ठीक है, एक हेड यहाँ पे भी है, ठीक है दोस्तों, और दो या दो से कम दो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, और नहीं भी हो सकता, नहीं भी हो सकता उसमें क्या आ जाएगा, टेल टेल टेल, क्लियर हुआ। ठीक है दोस्तों, अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने देख लो, एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ गई, सात बटे आठ, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, सात बटे आठ। तो इस तरह से भी क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ मैं, ए बैग कंटेन थ्री रेड बॉल एंड फोर ब्लैक बॉल, एक बैग है जिसमें तीन तो रेड बॉल है चार ब्लैक बॉल है, उसमें से एक बॉल निकाली जाती है रैंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो जो बॉल निकाली है वो रेड कलर की, दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है रेड कलर की और सेकेंड क्वेश्चन है ब्लैक कलर की बॉल है, वो कैसे करेंगे। हाँ जी, एक मेरे पास बैग है जिसमें क्या थ्री तो रेड बॉल है और फोर क्या ब्लैक बॉल है। हाँ जी, तो मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, पहला क्वेश्चन है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, मान लीजिए कोई इवेंट है, मैंने आपको बताया इसकी प्रोबेबिलिटी का कैसे काउंट करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए बटे में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। अब इवेंट क्या होता है, जो मुझे फाइंड आउट करना होता है, यहाँ पे किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, रेड बॉल की। अब मेरे पास बैग में टोटल रेड बॉल कितनी है, तीन है। हाँ जी, हाँ जी, जो रेड बॉल निकाल लूँगा वो तीन में से एक ही होगी, यानी कि तीन में से एक बॉल सेलेक्ट करनी है। और जहाँ पे सिलेक्शन की बात आती है वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, मैंने आपको परमुटेशन एंड कम्बिनेशन वाले चैप्टर में कराया था, वहाँ पे कम्बिनेशन यूज़ की जाती है। ठीक है, तीन में से एक बॉल सेलेक्ट करनी है, थ्री सी वन, ये तो आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट, इवेंट यानी कि जो मुझे फाइंड आउट करना है, और बटे में क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। हाँ जी, टोटल कितने हैं, चारों तीन सात, टोटल सात बॉल हैं बैग में, उसमें से एक निकाल दिए, सेवन सी वन। हाँ जी, और 3C1 मैंने आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताया था, NC1 क्या होता है, N ही होता है, तो 3 बाय 7, 7। आप ऐसा ना करके जब भी कभी क्वेश्चन में एक बॉल ड्रा करनी है, जैसे मुझे एक बॉल ड्रा करनी थी ना यहाँ से, तो क्या करेंगे, जैसे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, मुझे ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, टोटल ब्लैक बॉल कितनी है बैग में, चार ब्लैक बॉल है, और टोटल बॉल कितनी है, टोटल बॉल है सात, तो चार बटे सात, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल कह जाएगी चार बटे सात, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो फोर सी वन फोर ही आता और सेवन सी वन भी सेवन ही आता, तो मैंने डायरेक्ट ही कर दिया। ठीक है दोस्तों, आइए और क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है, इसमें क्या किया मैंने, जैसे उसमें एक बॉल निकालनी थी, इसमें मैंने दो बॉल निकालनी है। जैसे ये बैग है कोई, इसमें सात बॉल हैं टोटल, चार ब्लैक और तीन रेड। मैंने इसमें हाथ डाला और दो बॉल इकट्ठी दो बॉल निकाल ली, दो बॉल ड्रा की है। जैसे उसमें एक बॉल निकालनी थी, इसमें दो बॉल निकालनी है, ठीक है। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी मुझे किस किस की फाउंडर करनी है, जो दोनों बॉल ले हैं। पहला क्वेश्चन है दोनों बॉल रेड बॉल होनी चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी। दोनों बॉल ब्लैक बॉल होनी चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पे एक ब्लैक और एक रेड बॉल। आइए करते हैं, पहले ये करते हैं, दोनों बॉल रेड होनी चाहिए। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, दोनों बॉल रेड होनी चाहिए। हाँ जी, कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट देखते हैं। कैसे किया था, अब टोटल रेड बॉल देखो कितनी है, तीन है, इसमें से दो आएंगे, तीन में से दो निकालनी है, तो नंबर ऑफ वे क्या बनेंगे, थ्री सी टू, ठीक है। और टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, चार और तीन सात, और इसमें से दो निकालनी है, ठीक है। इसको अलग अलग सॉल्व कर लो या इकट्ठा सॉल्व कर लो, अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। सेवन सी टू को सॉल्व कर लेते हैं पहले, इसकी वैल्यू होती है सेवन फैक्टोरियल, फाइव फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, सेवन गुणा सिक्स मल्टीप्लाई फाइव फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई फाइव फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई टू फैक्टोरियल, इसके साथ ये कट गया, और दो तीय छः, और क्या आ गया, सात तीय इक्कीस, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 21 नीचे, ठीक है। और थ्री सी टू को यहाँ सोल्व कर लेते हैं, थ्री फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल, थ्री मल्टीप्लाई टू फैक्टोरियल बटे टू फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू क्या आ गई, तीन, ठीक है दोस्तों। इसको काट देते हैं, इसको काटा तो क्या आ गया, वन बाय सेवन। हाँ जी, यानी कि जब इस बैग में मैं हाथ डाल के दो बॉल्स निकाल लूँगा, वो दोनों बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वन बाय सेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, दोनों बॉल ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। दोनों बॉल यहाँ पे रेड की जगह क्या आ गया, ब्लैक आ गया। हाँ जी, अब कैसे करेंगे, पहले मुझे देखना है इवेंट, जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट कितने हैं, मुझे कौन सी बॉल निकालनी है, ब्लैक, और टोटल बॉल कितनी है, ब्लैक चार है, उसमें से दो सेलेक्ट करनी है, फोर सी टू बटे में। सैम्पल स्पेस में कितने, सैम्पल स्पेस में टोटल एलिमेंट सात हैं, उसमें से दो सेलेक्ट करनी है, सेवन सी टू। इसको सोल्व कर लीजिए, सेवन सी टू को तो मैंने अभी सोल्व किया था, वो 21 है। और फोर सी टू को सोल्व कर लेते हैं, फोर फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू फैक्टोरियल बटे में टू फैक्टोरियल और टू मल्टीप्लाई वन। इसके साथ ये कट गया और ये कट गया, तीन दूनी छः, ठीक है। इसको काट देते हैं, कितने पे गया, दो तीन दूनी छः और तीन सत इक्कीस, तो क्या आ गया, दो बटे सात, ठीक है। यानी कि जब मैं बैग में हाथ डाल के दो बॉल निकालूंगा, वो दोनों बॉल ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दो बटे सात। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, वो एक रेड और एक ब्लैक, एक रेड एक ब्लैक। हाँ जी, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे लिख लेते हैं, समझने के लिए, एक रेड एक ब्लैक। अब एक रेड बॉल निकालनी है, एक ब्लैक बॉल निकालनी है। हाँ जी, एक रेड बॉल तीन में से आएगी एक, और ब्लैक बॉल भी तीन में से आएगी एक, और टोटल बॉल तो दो ही निकलेंगी, एक एक ये दो बॉल निकलेंगी टोटल, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लीजिए, थ्री सी वन क्या होता है, थ्री, और फोर सी वन फोर, और बटे में सेवन सी टू मैंने सोल्व किया था 21, ये सेवन, तो क्या आ गया, फोर बाय सेवन। यानी कि जब इस बैग में से मैं बॉल निकालूंगा, एक रेड और एक ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, चार बटे सात, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे, किस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं, और एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन आपको दे सकता है। थैंक यू वेरी मच।